राजधानी में चलती वैन में कल दोपहर बाद हुए गैंग वॉर में दो अंडर ट्रायल अपराधियों का बवाना गैंग ने मर्डर कर दिया। ये वारदात कल हुई, लेकिन आज हम आपको दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के दो गैंग के बीच हुई लड़ाई की पूरी अपडेटेड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ था। रियल लाइफ के सीन की तरह ही रियल लाइफ में जेल वैन में बैठे दो गैंग के गुंडे एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ ऐसे ही जेल वैन की खिड़की पर पटक पटक कर दो कैदियों की जान ले ली गई। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चलती जेल वैन में हुए प्री प्लान्ड मर्डर में नीरज बवाना गैंग के गुंडों ने नीतू दाबोलिया गैंग के पारस उर्फ गोल्डी सहित उसके साथी प्रदीप की गला दबाकर हत्या कर दी। हादसा तब हुआ जब रोहिणी कोर्ट में अपराधियों की पेशी कराने के बाद शाम के 4:30 बजे जेल वैन वापस तिहाड़ जा रही थी। दिन दहाड़े चलती वैन में हुई दो गुटों के बीच झड़प को आसपास से गुजर रहे सभी लोगों ने देखा। ये बस का अंदर का हिस्सा है और जो बस थी उसमें 9 कैदी थे, यानी एक गुट के 7 कैदी थे और दूसरे गुट के 2 कैदी थे, नीरज बवानिया गैंग और नीतू दबोदिया गैंग के। नीतू दबोदिया गैंग के दो आरोपी जिनकी मौत हुई है, जो हत्या के मामले में बंद थे, पारस और प्रदीप, उन दोनों की हत्या हुई और टोटल 7 लोग थे। नीरज बवानिया भी इसी बस में शामिल थे। कैदियों की मारपीट देखकर जेल वैन के पीछे चल रही पुलिस स्कॉट ने लोकल पुलिस को खबर दी, लेकिन जेल वैन के अंदर 10 मिनट तक चले दो अपराधियों के मर्डर को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वालों ने जेल वैन में घुसकर मारपीट को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जेल वैन को तुरंत मंगोलपुरी के ही भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया। वहां कैदियों को पुलिस की सुरक्षा में बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक नीतू दाबोलिया गैंग के लीडर पारस और प्रदीप की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया है। इनका अपने टारगेट्स हैं कि जिससे इनकी खुंदक है उन्हीं लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, जिससे पुरानी राइवलरी है। पहले भी ऐसा हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बट ये स्पॉन्टेनियस एक उनका रिएक्शन रहा है कल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। नीरज बवाना और दाबोलिया गैंग के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में बवाना गैंग को टक्कर देने वाला एकमात्र क्रिमिनल दाबोलिया गैंग का लीडर पारस उर्फ गोल्डी ही बचता है, और इसलिए दोनों गैंग्स के बीच टक्कर होने की पूरी संभावना थी। इसलिए पूरे मामले पर तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि दो गैंग के गुंडों को एक ही वैन में क्यों भेजा गया? क्या दाबोलिया गैंग का खात्मा करने की साजिश में तिहाड़ के अधिकारी भी शामिल थे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों गैंग्स के बीच पिछले 5 सालों में कई बार गैंग वॉर हुआ है। अगस्त 2014 में दाबोलिया गैंग के गुंडे अनिल का मर्डर बवाना गैंग ने किया। साल 2014 में ही नीरज बवाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर दाबोलिया गैंग के प्रदीप दहिया का मर्डर कर दिया। नीरज बवाना गैंग ने दिल्ली के पास बवाना में ही दो भाइयों का आतंक फैलाने के लिए मर्डर किया। दोनों भाइयों का संबंध दाबोलिया गैंग से होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या दिल्ली में मुंबई पुलिस की तर्ज पर अंडरवर्ल्ड का खात्मा कांटे से कांटा निकाल करके किया जा रहा है? राजू राज के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।